नमस्कार, जरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आइए हम आज जानते हैं कि चित्रगुप्त पूजा कब है, इसका शुभ मुहूर्त, इसका महत्व और चित्रगुप्त पूजा की क्या विधि है, चित्रगुप्त की क्या कथा है, इनका मंत्र किस प्रकार से है, ये हम सब इस वीडियो में जानेंगे। चित्रगुप्त जी को कलम का देवता माना जाता है। चित्रगुप्त की पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन की जाती है। चित्रगुप्त पूजा करने से साहस, शौर्य, बल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चित्रगुप्त पूजा 2019 में इस बार कब पड़ रही है, चित्रगुप्त पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चित्रगुप्त पूजा का महत्व क्या है, चित्रगुप्त पूजा की क्या विधि है और चित्रगुप्त की कथा, चित्रगुप्त के मंत्र क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। चित्रगुप्त कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन से ही नए बही खातों की शुरुआत की जाती है। चित्रगुप्त पूजा के लिए दिन किताब, कलम, दवात और बही खातों की पूजा इस दिन करनी चाहिए। इसका बेहद विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार चित्रगुप्त पूजा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चित्रगुप्त पूजा में शुभ मुहूर्त इस बार कब पड़ रहा है, चित्रगुप्त पूजा का महत्व क्या है, इसकी विधि कथा और इसका मंत्र किस प्रकार से है। चित्रगुप्त पूजा 29 अक्टूबर 2019 के दिन पड़ रही है। चित्रगुप्त पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शुभ मुहूर्त चित्रगुप्त पूजा का है 1:11 से 3:25 तक और द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है 6:13 से और द्वितीय तिथि समाप्त हो रही है वह सुबह के 3:48 तक। जो प्रारंभ होगी वह सुबह 6:13 से प्रारंभ हो जाएगी द्वितीय तिथि और जो समाप्ति की द्वितीय तिथि है वह दोपहर के वह सुबह के 3:48 पर यानी 30 अक्टूबर अगले दिन हो जाएगी। चित्रगुप्त पूजा का क्या महत्व है, चित्रगुप्त को कलम का आराध्य देवता माना जाता है। चित्रगुप्त नरक में सभी लोगों के पुण्य और पाप का ब्यौरा रखते हैं। इस दिन चित्रगुप्त के आगे लोग अपनी आय और व्यय का पूरा ब्यौरा रखते हैं। इस दिन से नए बही खातों पर श्री लिखकर नए काम की शुरुआत की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को चित्रगुप्त पूजा की जाती है। इनका पूजन लेखनी के रूप में किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चित्रगुप्त का पूजन करके अगले दिन यानी कि तृतीय तिथि के दिन इनकी प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन लेखनी, कलम, दवात और बही खातों की पूजा पुरुषों द्वारा की जाती है। इस दिन महिलाएं गोधन कूटती हैं और इसके बाद चित्रगुप्त पूजा में शामिल होती। चित्रगुप्त पूजा बल, विद्या, साहस और शौर्य के लिए मुख्य मानी जाती है। माना जाता है कि जब पितामह भीष्म बाणों के शैया पर लेटे हुए थे तब उन्होंने चित्रगुप्त जी से पूजा पूरे विधान से की थी ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके, इसलिए इस दिन को अति विशेष माना जाता है। चित्रगुप्त पूजा को भैया दूज के दिन ही मनाया जाता है। चित्रगुप्त पूजा की क्या विधि है, चित्रगुप्त पूजा के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठे, इसके बाद नहाकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। साफ वस्त्र धारण करने के बाद एक चौकी पर गंगा जल का छिड़काव करके उसके बाद वहां पर एक साफ कपड़ा बिछा दें। उसके बाद साफ कपड़ा बिछाने के बाद चित्रगुप्त जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए उस पर। इसके बाद भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें। गणेश जी का पूजन करने के बाद चित्रगुप्त जी को पंचम्र से स्नान भी कराएं। तीसरी बात है, स्नान कराने के बाद उन्हें हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद उनके सामने कलम, दवात, बही खाते और किताब आदि रखते। इसके बाद घर की महिला एक सफेद कागज पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाए और उसके नीचे श्री गणेशाय जी सहाय नमः, श्री चित्रगुप्त जी सहाय नमः, श्री सर्व देवता सहाय नमः लिखें। इस मंत्र को उसके नीचे लिख दें। इसके बाद आप इनकी विधिवत पूजा करें और इनका मंत्र का जप करें। इसके बाद चित्रगुप्त जी की आरती भी जरूर उतारें और अपने बही खाते की आरती उतारें और उस पर श्रीम लिखें। अंत में चित्रगुप्त जी को प्रसाद का भोग लगाएं और गणेश जी और चित्रगुप्त से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आइए अब जान लेते हैं चित्रगुप्त की क्या कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सौदास नाम का एक राजा राजकीय करता था। उसने समस्त राज्य में ऐलान करा दिया कि
उसके राज्य में कोई भी पूजा पाठ हवन और यज्ञ नहीं करेगा। वह किसी को भी अपने राज्य में यज्ञ नहीं करने देता था, जिसकी वजह से उसकी प्रजा अत्यंत दुखी थी। प्रजा के इस दुख के कारण राजा पागल हो गया और राज्य करने योग्य नहीं रहा। एक दिन यम द्वितीया के दिन सभी लोग चित्रगुप्त जी की पूजा के लिए मंदिर में जा रहे थे, उसी समय वह पागल राजा वहां गया। राजा को देखकर सभी लोग वहां से भागने लगे, लेकिन लोगों की पूजा की सामग्री वहीं पर रह गई। राजा ने अपने पागलपन में पूजा की सभी सामग्री चित्रगुप्त जी के ऊपर चढ़ा दी। कुछ ही समय पश्चात ही उस राजा की मृत्यु हो गई। जब नरक में राजा के कर्मों का लेखा जोखा किया गया तो सिर्फ चित्रगुप्त पूजा के अलावा उसका कोई भी शुभ कार्य कर्म नहीं था। लेकिन राजा ने अनजाने में जो भी पूजा की थी, उसके कारण चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि इस विष्णुलोक में छोड़ दिया जाए। यमदूतों ने ऐसा ही किया, लेकिन उन्हें भी इस बात पर आश्चर्य था कि आखिर चित्रगुप्त जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि राजा के तो कोई भी शुभ कर्म नहीं थे। इसके बाद यमदूत धर्मराज जी के पास गए। उन्होंने यमदेव को सारी बात बताई। इसके बाद चित्रगुप्त से जब धर्मराज ने इस बात का कारण जानना चाहा, तब चित्रगुप्त ने कहा कि मुझे सभी देवताओं से यह आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी मेरी पूजा करेगा उसे विष्णु लोक प्राप्त होगा। इसी कारण से ही सौदश को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। चित्रगुप्त की बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए और सौदश को विष्णु लोक भेज दिया। चित्रगुप्त जी के मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुरुषाय विद्महे चित्रगुप्ताय कीमहि तन्नो चित्रगुप्त प्रचोदयात स्वाहा, ओम नमो विचित्राय धर्मलेखाय यम वाहिकाधिकरणी मृत्यु जन्म स्वित प्रलयम कथय कथय स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें। हमने ये मंत्र अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं, वहां से आप उतार सकते हैं। इन मंत्र का भी जप जरूर करें। तो आज हमने जाना कि आखिर चित्रगुप्त की पूजा क्यों की जाती है और चित्रगुप्त की पूजा विधि किस प्रकार से है, उनकी क्या कहानी है। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।